हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑलमोस्ट सेशन क्लोज हो चुका है। सीयूईटी 2023 अभी स्टार्ट हो चुका है, 22 का जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ कॉलेजों की जो है कुछ अपडेट्स बची है अभी, ठीक है, जस्ट लाइक एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड क्लासों की अगर अपन बात की जाए तो ऑलमोस्ट सब जगह क्लासेज जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या सारा सीन रहने वाला है बहुत सारे कॉलेजों पे, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई ठिकाना भी नहीं है, लगातार हमें कॉल कर रहे हैं कि भैया हमें सीट चाहिए, हमें ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो वो जो बच्चे हैं उनको एक्चुअल में एडमिशन लेना ही नहीं है, अभी सिर्फ वो बच्चे हैं जिनको या तो पढ़ाई करनी नहीं है या फिर अपना एक साल बर्बाद करना है। काफ़ी सारे बहुत सारे लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल में रिगार्डिंग, जब उनको हम कॉलेजों के बारे में बताते हैं तो इसमें तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, इसमें तो ऐसा अच्छा नहीं होता, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, ठीक है, स्पेशली बिहार से यूपी के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं कि उनके अगर मैं सीयूईटी के मार्क्स देखता हूँ तो जस्ट लाइक जीरो मार्क्स माइनस में है एंड जस्ट लाइक 2, 3, 5, 10 मार्क्स है, फिर भी मतलब जस्ट कि हमको कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में शो करते हैं तो इसमें तो इतना सा ही प्लेसमेंट हो रहा है, हमें तो 50 लाख का प्लेसमेंट चाहिए, हमको तो सीएससी चाहिए, हमको तो ऐसे चाहिए। बहुत सारे लॉट ऑफ द स्टूडेंट जो मार्क्स इन द 12th क्लास में अगर अपन देखें उनके मार्क्स तो 60% से भी कम है, ठीक है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स के अंदर 50 से भी कम मार्क्स है, फिर भी उनको यार सीएससी चाहिए। तो एक तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ ऐसी भाषा के लिए, लेकिन यार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्पेशली जैसे आप सीएससी में एडमिशन लेते हैं तो कोई आसान नहीं होता कोडिंग सीखना भी, ठीक है, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स आती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग में भी M1, M2, M3 पढ़ना पड़ता है, जो कि मतलब लॉट ऑफ द स्टूडेंट अगर मैं IIT की बात करूँ तो फेल हो जाती है जनाब, ठीक है, ऐसा सारा सीन है, फेल हो जाते हैं सच में सेमेस्टर के अंदर, बहुत सारे IIT मेरे दोस्त हैं, ठीक है, स्पेशली कि बैकलॉग लग जाते हैं, ठीक है, IIT बॉम्बे में भी लग जाते हैं, IIT दिल्ली हो, IIT रुड़की हो, IIT जोधपुर हो, बैकलॉग लग जाते हैं, ठीक है, मतलब आसान नहीं है। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं सीएससी लेने का, जिनके 12th में मैथमेटिक्स में 50 से भी कम मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छी बात है, आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यार मैं अगर बात करूँ कि जस्ट लाइक जो आपकी जो पढ़ाई होती है फ्यूचर में वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ऐसी मतलब जस्ट अब यार मैं 43 मार्क्स मैथमेटिक्स वाली आ रहे हैं उसको मैं NIT में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर DU के किसी कॉलेज में कैसे एडमिशन कराऊं, मतलब मेरे लिए भी सोचने वाली बात है ना। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इनका एडमिशन करा दो, ऐसे करा दो, आप लोग काउंसलिंग करते हैं, तो मतलब काउंसलिंग के लिए हमारे पास 90 वाले बच्चे भी आते हैं जनाब, उनका भी एडमिशन नहीं हो पाता। 43 वाले का हम IIT में करा दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करा दो, DU में करा दो, MBA में करा दो, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे मिलते हैं मुझे एंड मैं जस्ट लाइक एक्सेप्शनल नोट कर लेते हैं, इनका फ्यूचर में देखेंगे, अंबानी संबानी बन जाएंगे ये लोग भी। तो यार अभी बात करते हैं बहुत सारे कॉलेजों की, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की क्या सारा प्रोसेस रहा है, कहाँ तक पहुँचा, किसका सारा एडमिशन का क्या सारा सीन है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम बताना चाहूँगा जहाँ पे जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं अभी इस टाइम पे, एंड तो नाम नोट कर लीजिए जहाँ पे अभी डायरेक्ट एडमिशन का भी सीन बन सकता है, आप इन कॉलेजों में डायरेक्ट HOD से कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट को ईमेल डाल सकते हो आप लोग। विक्रम यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, CUET में पार्टिसिपेट किया, हालांकि जो है श्री माता वैष्णो देवी में स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, फिर भी आप इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं। ये कॉलेज था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट हुआ था UG वाले बच्चों के लिए 31 अक्टूबर को हुआ था, PG वाले बच्चों के लिए 11 नवंबर को हुआ था, तो आप लोग जो है उनको भी ईमेल डाल सकते हो, अगर कोई बच्चा सीट छोड़ के चला गया तो शायद आप लोगों को वो बाद में दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे रहा मैं। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की, इसमें भी आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है, अभी स्पोर्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2, अदर CUET वालों के लिए 18 से स्टार्ट हो रहा है शायद, एंड BTEC वगैरह के लिए ऑलरेडी चल रहा है, देवी अहिल्या भी काफी अच्छा कॉलेज है, विश्व भारती एडमिशन चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चल रहा है अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, द इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गया, तेजपुर हो गया, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, नागालैंड, मिजोरम, मौलाना आजाद, ये महात्मा गांधी सेंट्रल, ठीक है, जस्ट लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी लगातार एडमिशन चल रहे हैं, यहाँ पे भी स्पोर्ट राउंड स्टार्ट है,
गुरु घासीदास में हो चुका है, डॉक्टर हरी सिंह में हो चुका है, तमिलनाडु, साउथ बिहार, राजस्थान चल रहा है, उड़ीसा, केरला में हो चुका है, कश्मीर में चल रहा है स्पोर्ट राउंड, कर्नाटका में स्पोर्ट राउंड हो गया, झारखंड हो गया इसमें स्पोर्ट राउंड हो गया, जम्मू में स्पोर्ट राउंड, हिमाचल में स्पोर्ट राउंड हो चुका है, हरियाणा में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, गुजरात में नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली 3 कोर्सेज के लिए फिर से नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, BHU के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए कल लास्ट डेट था, ठीक है। एंड कुछ और की बात करिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, असम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस थे जिनका CUET के थ्रू एडमिशन अभी ऑलमोस्ट ऐसे मान सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको सीरियसली एडमिशन लेना होता है, वो ही हमारे पास कॉल करें या फिर मैसेजेस वगैरह करें, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग पर रहते हैं, तो आप लोग जो दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके काफ़ी लो मार्क्स है, तो यार अभी भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है, बिकॉज आप लोगों की एज जो है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स 19 ईयर्स ओल्ड होगी। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिर से तैयारी शुरू कर दूँ, अभी एग्जाम फिर से हो जाएगा, ठीक है। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ऑलमोस्ट मई में है, ठीक है, सॉरी मार्च में, एंड 30 मार्च के आसपास हो जाता है बाद में। एंड अगर आपके CBSE के एग्जाम अगर आप बीच में आते हैं तो अप्रैल के बाद में आपका एग्जाम हो जाता है। एंड कोविड से पहले की अगर मैं बात करूँ यार, CUET वगैरह जनरली मार्च में ही हुआ करता था, अभी जो है सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो ये जो सेमेस्टर वगैरह है वो आने वाले एक साल तक पूरा सब कुछ सेटल हो जाएगा, और जो भी हमारा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी जो एग्जाम वगैरह है वो बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगी, ठीक है। JEE मेन को आप लोग टारगेट कर सकते हो, तो अभी तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, जिन भी बच्चों के एडमिशन नहीं हुए वो जल्दी से ले लो कॉलेजों का कॉन्टैक्ट करके, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। एंड अगर जिनको अभी भी नहीं लेना, ठीक है, वो फिर अगले साल के लिए तैयार रह सकते हैं। थैंक यू।